भाई किसी भी चीज को जलने के लिए चाहिए होती है फ्यूल और ऑक्सीजन। जब दोनों साथ साथ होते हैं तभी चीजें जलती हैं, चलती हैं। चाहे कोई भी चीज हो, इंजन गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कपड़े में आग, पेपर में आग, कुछ भी हो, चलना जलना है तो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एक जनरेटर जो कि चलता है डीजल वाले फ्यूल से और हवा ऑक्सीजन लेता है यहाँ से फिल्टर से। इमेजिन करो अगर हम लोग जहाँ से हवा लेता है इसमें इसकी हवा में कुछ मिलावट कर दें। जैसे कि जब ये जनरेटर चल रहा होगा यहाँ पे हम लोग घुसा दें एलपीजी गैस, तो भाई क्या होगा, जनरेटर जल जुला जाएगा, दग जाएगा, तेज चलने लगेगा, फट जाएगा, पता नहीं क्या होगा। वही तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करके देखने वाले हैं। यही नहीं, यहाँ पे हम लोग और भी कई सारी चीजें यहाँ पे घुसाने वाले हैं जो कि है ऑक्सीजन। भाई नॉर्मल तो ऑक्सीजन है ही वातावरण में, लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ही घुसा देंगे जनरेटर में ताकि पता चले कि क्या ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने पर जनरेटर ज़्यादा बिजली बनाएगा या फिर कुछ नहीं होगा, वो तो करने के बाद ही मालूम चलेगा। और यही नहीं, यहाँ पे हमारे पास है, रुको जरा, सब्सक्राइब करो, सैनिटाइजर और परफ्यूम, भाई दोनों काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं तो इनको हवा में ऐड करने पर क्या होगा ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलो फटाफट आज का ये अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारा पिछला जनरेटर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो भाई लिंक आए बटन में है, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि 1 लीटर डीजल में हमारे 3 kV का जनरेटर कितने यूनिट बिजली बनाता है या फिर कितनी देर चलता है। बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट, आप सभी ने पसंद किया है, जाके जरूर देखो, ठीक है, आए बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। और यही नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को सोचते हुए एक और आइडिया आया कि ऑक्सीजन आपको भड़काती है और CO2 आपको बुझाने के काम आती है, तो क्यों ना CO2 गैस भी इसमें घुसा दें चलते हुए, तो क्या हमारा जनरेटर बंद पड़ जाएगा या फिर शांत हो जाएगा, कमजोर पड़ेगा चलते हुए, क्या होगा वो भी देखेंगे। भाई देखो, जिंदा रहने के लिए हम लोग भी सांस लेते हैं और सांस में ऑक्सीजन खींचते हैं और इसके लिए भगवान ने हमें नाक दी है और नाक के अंदर बड़े बड़े बाल दिए ताकि कीड़ा मकोड़ा नाक के अंदर ना घुस जाए। अच्छा, अगर घुस गए तो दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं। उसी तरीके से जनरेटर में ये इतना पार्ट लगाया जाता है फिल्टर, एयर फिल्टर, ताकि जब जनरेटर सांस ले तो ऑक्सीजन लेते वक्त कोई कचरा, कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई चीज ना इसके नाक के अंदर घुस जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके नाक के बाल को खोलने वाले हैं ताकि हम लोग इसके अंदर मिलावट कर पाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये निकाल लिया इसका फिल्टर। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो एक वीडियो बनाया है मैंने जिसमें मैंने अपने जनरेटर की जान ले ली थी। तो हुआ ये था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था और यहाँ पे घुस गया था गुब्बारा। और आगे क्या हुआ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में फिर से है। भाई बहुत लंबा खर्चा हो गया था। आज अगर जनरेटर के साथ कुछ होता है तो इसका सारा दोष मैं आपके ऊपर लगा दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, आप लोग लाइक करना, मजा आएगा, ठीक है, किसी के ऊपर दोष नहीं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है नुकसान। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें घुसाने वाले हैं ऑक्सीजन, ठीक है। भाई यहाँ पे जनरेटर की काली नाक की वजह से मेरा ये सफेद शर्ट खराब होने का खतरा है, इसके लिए इसे चेंज करना होगा टिकटॉक स्टाइल में। हो गया चेंज। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? चलो ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अरे स्टार्ट करना है भाई। तुमसे ना हो पाएगा। तो जब मैं इसके अंदर ऑक्सीजन डाल रहा हूँ तो आप लोग मीटर को ध्यान से देखो, इसके अंदर कोई भी बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा, ना ही जनरेटर की आवाज़ में कोई चेंज आया। भाई अभी तक हमने दो चीजें डाली, ऑक्सीजन और सैनिटाइजर, लेकिन ज़्यादा कुछ देखने को नहीं। कोई बात नहीं, तो भाई अब हम लोग डालने वाले परफ्यूम। अबे जनरेटर
भाई यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, परफ्यूम डालने पर जनरेटर की पावर कुछ सेकंड के लिए बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे मीटर को ध्यान से देखो, तो अभी हम लोग बनाने CO2 गैस बनाने का जुगाड़। CO2 बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट विनेगर का, और इस सिस्टम के अंदर है सोडा। तो जब विनेगर में सोडा मिलेगा तो यहाँ से बन के आएगी CO2 गैस, और फिर देखेंगे जनरेटर का बिहेवियर कैसा रहता है। भाई CO2 से भी कुछ नहीं हुआ, हो सकता है CO2 कम बने, लेकिन CO2 बन रही है। आप लोग आवाज सुनो, CO2 तो बन रही है, लेकिन हमको लगा रहा कि भाई जनरेटर धीमा पड़ जाएगा, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन भाई अब बची है LPG। परफ्यूम ने तो भाई धमाके छोड़े से बुलेट में होते नहीं धा धा धा, वैसे परफ्यूम इसमें घुसाने पर हुआ धमाके छूटे भम भम भम। मैं तो एकदम डर ही गया था, एकदम सच में लगा था हाथ खराब, कहीं दर्द उगाना था, बिल्कुल बहुत डर लगा था। इसलिए आप लोग ऐसा कुछ भी कभी भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब LPG का सेटअप लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने LPG की व्यवस्था कर ली है, लंबा सा पाइप लगाया है, और बहुत ध्यान से करना आपकी बात। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें से गैस आ रही है। ओ बंद बंद बंद। सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे घर के अंदर रहूँगा, और ये देखो इतनी दूर से गैस चालू बंद करूंगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही मैं LPG गैस रिलीज कर रहा हूँ, बहुत तेज पटाखे फूटने की आवाज आ रही है, अपने आप जनरेटर तेज धीमा हो रहा है, काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो यहाँ पे LPG छोड़ने पर जनरेटर पहले से भी ज्यादा तेज पटाखे जैसी आवाज निकाल रहा है, काफी ज्यादा खतरनाक सीन है। और ऐसा लगा कि जनरेटर या तो खुद फटेगा या फिर फाड़ देगा, तो ज्यादा खिलवाड़ सही नहीं है। तो भाई फाइनल चीज ट्राई करते हैं, फिर हम लोग करने ये वाले हैं कि यहाँ पे LPG गैस की सप्लाई चालू रखेंगे, और यहाँ से डीजल को बंद कर देंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या LPG गैस के दम पे हमारा जनरेटर चलेगा या फिर क्या होगा। कुछ भी ऐसा ट्राई करने की कोशिश मत करना, बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने रस्सी वाला जुगाड़ बनाया है। तो भाई कुछ ऐसा हुआ जनरेटर में LPG गैस सप्लाई करने पर, जब LPG गैस जा रही थी तो यहाँ पे काले की बजाय सफ़ेद धुआं निकल रहा था, और यहाँ पे मैंने डीजल सप्लाई भी बंद कर दी, लेकिन भाई जनरेटर LPG पे नहीं चल पाया, बहुत डर लग रहा था। तो आप लोग कभी भी ऐसा ट्राई मत करना। तो भाई इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने जनरेटर के साथ कई चीज़ें ट्राई करी, इसमें ऑक्सीजन घुसाया, कार्बन डाइऑक्साइड, परफ्यूम, सैनिटाइजर, और लास्ट में LPG घुसा दिया, और जो कुछ हुआ आपने खुद से देखा। भाई अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, आज जरूर से लाइक करना, क्योंकि काफ़ी खतरे का काम था रिस्क लेके किया है, लेकिन सेफ तरीके से करने की कोशिश करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना,
फटाक से करो भाई, कर लो यार, मजा आ गया हो तो, और बेल आइकन दबा देना। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय। अब कोई आ गया हो कमेंट में इसके साथ करने के लिए तो बताना जरूर, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है।